हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने खड़े मिस्टर स्वागत कुपटकर और शेफ आपको बताएंगे हरा भरा कबाब कैसे बनाया जाता है, उसका रेसिपी क्या होता है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं हरा भरा कबाब बनाने के लिए। हेलो शेफ, स्टार्ट करना। हाँ, तो पहले हम डालेंगे उसमें बनाने की विधि और इसके लिए जो कंटेंट्स लगते हैं मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूँ। ये हो गया कॉलीफ्लावर, फिर कैरेट लेंगे, थोड़ा धनिया, आलू लेंगे उसके लिए, और ये ले लेंगे हम फ्लावर, फिर उसके बाद में पनीर जैसे आता है ग्रीन पीस, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा चटपट मसाला, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, अपने पास है मैदा, और ये होता है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, तो अभी बनाने का विधि बताएंगे आपको मिस्टर शेफ सागर कुपटकर। बना उबा करू कर नहीं तो थोड़े नहीं हो रहा ना। कुछ बोलता क्या? मैं अभी बना रही शेप बना रही, तो क्या डाल रही कुछ बोलना। और हमारे जो शेप है इनको जबान नहीं है, ये इनका सबसे स्पेशल बात है। शेप मुख्य होने के बावजूद इतना सब कुछ सीखे हुए, इतना सब कुछ कम उम्र में उन्होंने हासिल कर लिया है। आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे मुझे ऐसे लगता है, और इसका टेस्ट भी दोस्तों बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया तरीके से होता है। ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हरा भरा कबाब को थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा, इससे कबाब क्रिस्पी होगा और पकने में आपको उससे मदद भी होगा। आप कबाब बनने के बाद में उस पर स्वाद अनुसार चाट मसाला डाल के उसको खा सकते हो, और उसको सर्व किया जाता है ग्रीन चटनी के साथ में। जैसे ग्रीन चटनी का शेफ सागर कुपटकर का हरा भरा कबाब रेडी है। अभी इसे तलने की विधि देखिए, फ्राई करनी है आडम रे लोकर। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाया है, और ये अभी कढ़ाई में छोड़ रहे हैं, तेल अच्छे तरीके से गरम है। शेफ इसको कितना मिनट लगेगा? 5 मिनट लगेगा। ओ तो इसे 5 मिनट लगेंगे। अभी तल जा रहा है, उसको शेप अभी झारा पकड़ रहे हाथ में। ऐसा पूछो शेप से, ये चलाओ, ये बहुत ही अच्छी तरह से डीप हो रहे हैं। अभी तेल ज्यादा गर्म नहीं रखे, मीडियम धीमी आंच में रखे, ऊपर से पकी गई अंदर से कच्ची सराई गई वो भी सांभो ना। और ये बहुत ही अच्छी तरह से पक रहे हैं। ये बन गया हमारा हरा भरा कबाब, और इसे अच्छी तरीके से आप टेस्ट कर सकते हो, और इसके ऊपर से सजावट होती है। हमारा हरा भरा कबाब।